गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा था। आई होप आपको थ्योरम भी याद हो गई होगी और कन्वर्स भी याद हो गया होगा और उनकी स्टेटमेंट आपने याद भी रखनी है। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें हम जब भी रीजनिंग करेंगे तो सिर्फ रीजन में मिड पॉइंट थ्योरम या जहाँ पे कन्वर्स लगता हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करके कोट कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पल 7 इज इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए। मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है डी पहले आया तो ए बी का मिड पॉइंट है, ई बी सी का है और एफ सी ए का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट्स बना लिए, कैसा भी ट्राइंगल बना लीजिए आप। अब आपको शो करना है कि ये इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद 1, 2, 3, 4 ये जो चार ट्राइंगल्स बने हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है अपने। नाउ लुक हियर, पहले हम लेते हैं डी मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट ई है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से डी ई ए सी के पैरेलल हो गया, ठीक है। इसका मतलब सिमिलरली एंड यू कैन ऑल्सो टेक इज हाफ ऑफ ए सी ऑल्सो, उसके भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी चल सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है डी ई पैरेलल टू ए सी और फिर सिमिलरली एफ मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है ए इधर ए सी और बी सी का, तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। इसी तरह डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, इस तरह से आपको ये सारे पैरेलल्स मिल जाएंगे। एंड देन क्योंकि डी एफ बी सी के पैरेलल है तो बी ई के भी पैरेलल हुआ, और अभी आपने प्रूफ किया था ई एफ पैरेलल टू ए बी दैट मीन्स ई एफ इज पैरेलल टू डी बी, तो डी एफ ई बी बिकम्स अ पैरेललोग्राम। एक तरीका तो ये है पैरेललोग्राम प्रूफ करने का। दूसरा तरीका पता क्या है कि आपने कहा ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है, तो डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी, जो आपकी पूरी मिड पॉइंट थ्योरम थी। एंड हाफ ऑफ बी सी इज नथिंग बट बी ई, दिस विल गिव यू डी एफ इज पैरेलल टू बी ई एंड डी एफ इज इक्वल टू बी ई। अगेन सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, डी बी ई एफ बिकम्स अ पैरेललोग्राम। मतलब दोनों तरीके से, या तो आप दोनों अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करिए या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर लीजिए, दोनों तरीके से ये पैरेललोग्राम बन गया। अब सबसे पहले देखिए ये वाला ले लेते हैं हम, पहले बी डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम और डी ई इसका डायगनल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपने वैसे पहले एक थ्योरम में भी प्रूफ किया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर वो याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी कर सकते हैं। बी ई इक्वल टू डी एफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, डी बी इज इक्वल टू ई एफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड डी ई डी ई कॉमन। तो ट्राइंगल बी डी ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, ठीक है ना, बी डी एफ ई के बराबर है ना, तो बी डी ई और एफ ई डी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली अब ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, डी बी सी एफ, इसमें ये डायगनल है तो अगेन डी ई एफ या इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ ई। इसी तरह से ए डी ई एफ भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह से ये चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है एल एम एन आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एन क्यू। देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल्स हैं। दीज ए बी एंड बी सी आर इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी ट्रांसवर्सल
का पार्ट जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में आता है उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। मतलब अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का कौन सा पार्ट है पहली दो पैरेलल लाइंस में? ए बी पार्ट है और दूसरा बी सी पार्ट है। तो ये ए बी एक इंटरसेप्ट है, बी सी दूसरा इंटरसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जो दो इंटरसेप्ट ए बी और बी सी बन रहे हैं ये तो है इक्वल, और हमें शो करना है क्यू ट्रांसवर्सल के ऊपर जो दो इंटरसेप्ट बन रहे हैं डी ई एंड ई एफ ये भी इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो ए पॉइंट है और ये जो एफ है इसको हमने कर दिया ज्वाइन, सो दैट इट इंटरसेक्ट्स दिस एम लाइन एट पॉइंट से जी। नाउ लुक हियर, इन ट्राइंगल ए सी एफ आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी, और क्योंकि एम और एल लाइन और एन लाइन ये तीनों लाइंस तो पैरेलल ही थी, तो बी जी इज पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, दैट इज नथिंग बट बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी साइड ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ एंड बी जी इज पैरेलल टू सी एफ। That means by converse of midpoint theorem, G is midpoint of EF. अब दूसरी बार ट्राइंगल ले लीजिए AFD. क्योंकि ये LMN पैरेलल हैं, तो GE और ED तो पैरेलल ही होंगे, और अभी अभी आपने G को AF का midpoint प्रूफ किया, तो अगेन by converse of midpoint theorem in AFD triangle, G is midpoint of AF and GE is parallel to AD, therefore E is midpoint of DF, that means DE is equal to EF, यानी कि ये भी equal intercepts होंगे। एक बार फिर से इन examples को revise करके और खुद से solve करके लिखने की कोशिश करिएगा, and still if you have any difficulty you can ask me. Thank you.